पहले जब हमने बाइक को स्टार्ट की तब कैसी क्रैंक की साउंड आ रही थी आप देख सकते हो, यहीं पे ऐसे पकड़ना है क्रैंक को और ऊपर से ऐसे ठोकना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रीनाथ और आप देख रहे हो एसजी रॉयल वर्क। गाइज, आज के इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम के इस वीडियो में हमारे पास है स्प्लेंडर प्रो बाइक, इसका इंजन में ऐसे कुछ नॉइज आने लगा है, इसका इंजन पूरा हम बनाने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बट फुल इन्फॉर्मेशन के साथ फुल इंजन ओपन करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपके पास स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्लस, पैशन एस, हीरो होंडा की कोई भी बाइक है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पहले तो आपको इसका साउंड दिखाते हैं इंजन का और देन बाद में इसको पूरा ओपन करते हैं। गाइज, ये रहा हमारे पास स्प्लेंडर प्रो बाइक, ये बिना सेल्फ वाला है। तो गाइज, पहले तो आपको किक स्टार्ट करके इसका नॉइज दिखा देते हैं। ये रहा, बाइक स्टार्ट हो चुकी है अभी हमारे। आप देख सकते हो बाइक का एक्सीलेटर जब हम देते हैं तब अजीब सी नॉइज आ रही है, आप देख सकते हो। तो गाइज, स्प्लेंडर पैशन, स्प्लेंडर प्रो सब में बाइक का इंजन सेम ही रहता है। तो गाइज, जल्दी ही इंजन को बॉडी में से निकालते हैं बाहर और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसके लिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जल्दी। तो गाइज, फाइनली हमने इंजन को बॉडी में से निकाल दिया है, आप देख सकते हो। यहीं पे आगे भी हमने डिस्कवर का इंजन का वीडियो डाल रखा है, वो अगर आपने नहीं देखा तो यहीं पे आई बटन पे उसकी लिंक भी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। और गाइज, जब भी आप लाइक और अच्छी अच्छी कमेंट करते हो तब पढ़ के खुशी होती है और मैं हर एक कॉमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो गाइज, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप नए नए हैं इस वीडियो को देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी चैनल पे ऐसे नए नए वीडियो आते ही रहते हैं। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब हम करते हैं इसको ओपन और देखते हैं इसमें क्या है प्रॉब्लम और सारी चीजें जो है वो आपको दिखाते हैं। तो जल्दी इसको ओपन कर लेते हैं।
फाइनली हमने इंजन को ओपन कर लिया है। आई होप कि आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस जब भी हम गेयरबॉक्स को ओपन करते हैं तब ये रहा हमारा गियर फ्रॉग, इसको हम गियर फ्रॉग बोलते हैं। गेयरबॉक्स में दो इस टाइप के गियर फ्रॉग रहते हैं और ये पूरी गेयरबॉक्स असेंबली गियर फ्रॉग की। तो गाइस यहीं पर आप देख सकते हो इसमें ऐसे चार और पाँच छः छरे रहते हैं इस टाइप के कुछ। तो इसको पहले से ही हमने निकाल के रखना है क्योंकि ये क्या है खोलते टाइम गिर जाता है। तो गाइस इसका इसको निकाल के पहले से ही मैग्नेट में लगा देना है ताकि ये गुम ना हो जाए वापस, क्यों क्या है जल्दी मिलता नहीं है ये। तो गाइस इसको पहले ही निकाल लेना है। इस टाइप से कुछ रहते हैं गियर, इसकी वजह से गियर में डलती है गाड़ी बाइक। और गाइस ये रही हमारी क्रैंक, आप देख सकते हो यहीं पर कितना प्ले आ चुका है इसमें, देख सकते हो। अभी इसको पिस्टन को निकाल के इसका साउंड दिखाता हूँ जो पहले आ रहा था साउंड। इसका लॉक जो है इसको ऐसे ही पेच के सी हेल्प से ऐसे ही निकाल लेना, इस टाइप से कुछ लॉक रहता है इसमें। और गाइस बाद में इस टाइप से गजल पिन जो है वो ऐसे ही निकल जाएंगे इस टाइप से कुछ। तो गाइस फाइनली ये रहा, पिस्टन को हमने निकाल दिया है। पिस्टन भी इसमें नया डलेगा, इसको हम चेंज करने वाले हैं पिस्टन को भी। पिस्टन किट पूरा नया आएगा और बाद में आप देख आपको क्रैंक की साउंड दिखा देता हूँ। पहले जब हमने बाइक को स्टार्ट की तब कैसी क्रैंक की साउंड आ रही थी आप देख सकते हो। यहीं पे ऐसे पकड़ना है क्रैंक को और ऊपर से ऐसे ठोकना है, आप देख सकते हो किस टाइप से ये नॉइज आ रही है अभी, कट कट कट। तो गाइस क्रैंक का रोड पूरा ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हो इसमें प्ले आ चुकी है। इसको हम बनाने देते हैं लेथ में। तो गाइस ये जो क्रैंक है इसका रोड नया डलेगा सिर्फ, ये क्रैंक पूरी चलती है बार बार चलती है, क्रैंक का रोड ही नया डालना पड़ता है। आप देख सकते हो आवाज़ पूरी ख़राब हो चुकी है क्रैंक का रोड। तो गाइस ये एक लेथ में जाएगा और बाद में आप देख सकते हो ये जो ब्लॉक है इसको बोरिंग करने के लिए लेथ में जाएगा, और हमारा जो हेड है वो भी लेथ में जाएगा सर्विस होने के लिए। ये वाल्व जो है वो नया डलेगा दोनों। तो गाइज ये सारा लेथ का काम है वो जो कंप्लीट कर लेते हैं, देन बाद में अगले पार्ट जो वीडियो आएगा उसमें सारी फिटिंग की वीडियो आएगी। गाइज वो वीडियो में हम इंजन को कैसे फिटिंग करते हैं वो सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। तो गाइज इसको फटाफट कर लेते हैं रिपेयर लेथ में।